بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. तमाम किस्म की हमद व सना उस खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबों की जाने हैं। महतरम दीनी इस्लामी भाइयों, आज जुमे का दिन है और शाबान का महीना है, और इस महीने में मुसलमानों के यहाँ कई वर्षों से एक रस्म चल पड़ी है, एक ऐसी इबादत और एक ऐसी रात जिसका दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसी से मुतालिक मेरी आज गुफ्तगू होगी। शबे बरात और आज का मुसलमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى من ثلث الليل और कम अकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाजरी, मैंने हमदो सना के बाद सलात के बाद कुरान मुकद्दस की वो मशहूर आयत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के कंप्लीट होने और कामिल होने का ऐलान फरमाया। अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर अपना हज करके वापस हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आप पर ये आयत नाजिल करके आपके जरिए से कयामत तक सारे मुसलमानों को बल्कि सारे इंसानों को ये मैसेज, ये सबक दे दिया कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम के नुज़ूल का 23वां साल था, यानी कुरान करीम जब से नाजिल होना शुरू हुआ था इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक से लेकर और पूरे मुकम्मल यानी 114 सूरतें सूरे नास तक, ये 23 साल के अरसे में आज लाज़म पर नाजिल होता रहा वक्फे वक्फे से। इन आयात में, इन सूरतों में ये खास सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है, वरना हमसे पहले जितनी उम्मतें थी कौम बनी इसराइल और दूसरी उम्मतें, उन उम्मतों पर सबसे बड़ा वबाल, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दीन की हिफाजत उनके ऊपर उनके जिम्मे डाल दी गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हिज्र की आयत है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हमने जिक्र यानी कुरान को और कुरान के शराह को यानी कुरान और हदीस दोनों को नाजिल किया, और हम ही इस दीन के शरीयत के कुरान और हदीस के महाफिज हैं। ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नेमत है, एहसान है। वरना अगर हम पर छोड़ा जाता कि भाई आप जो है बुखारी की हिफाजत कर लें, आप मुस्लिम की हिफाजत कर लें, आप कुरान की जैसे आपको समझ में आए वैसी तफसीर कर लें, तो आज जो दीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहम करे शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह पर जो मुहद्दिस असर है, और इस तरह के किबार उलमा मुहद्दिसीन ने जो दीन की हिफाज़त के लिए सही हदीस और ज़ईफ अहादीस का मजमुआ हमारे सामने रख दिया है, जिनकी वजह से आज हमको सही अहादीस के परखने में जानने में कोई दुश्वारी नहीं है। तो ये बुनियादी बात को आप जहन में रखिए। जितनी गुमराहियां आज मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी जो है जितने बिदात और खुराफात है, साल के 12 महीने में, साल के 12 महीने में कोई महीना ऐसा नहीं छूटता जिसमें मुसलमान कोई ना कोई ईद और त्यौहार और रस्म और बिदत ना मनाता हो। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी का नाम आए, मोहम्मद आए, तो हम पर ये लाजिम है, फर्ज है कि हम आप पर दरूद सलाम भेजें। दरूद सलाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये कम से कम दरूद है। और इसके बारे में नबी साहब फरमाते हैं, बखील है वो शख्स, बखील है मेरा वो उम्मती जिसके सामने मेरा तस्करा को हुआ हो, मेरा नाम लिया जाए और फिर वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तो कम से कम नबी का नाम आते क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं मर गया मर्दूर फातिहाना दरूद, सुने होंगे आप भी, क्या मतलब है इसका? आज मैं उसकी भी वजाहत करूंगा। जो वाकई ना दरूद पढ़ता है ना फातिहा पढ़ता है, फातिहा नमाज के अंदर पढ़ने का हुक्म है, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, और अइमा मुहद्दिसीन ने ये भी कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये बात भी मनकूल है कि उस आदमी की नमाज अबतर है, बातिल है, फलिया खिदाज इनकम्प्लीट है, जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। ला सलात, नमाज होती नहीं उसकी, नमाज है ही नहीं, गोया उसने नमाज पढ़कर भी नमाज नहीं पढ़ी। कौन? मन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहतुल किताब कुरान करीम की जो उम्मुल किताब है सूरतुल फातिहा जो नमाज में ना पढ़े, इसकी नमाज नहीं होती, चाहे वो नफिल नमाज हो, फर्ज हो, या फिर सलात जनाजा ही क्यों ना हो, या ईद की नमाज क्यों ना हो, हर नमाज में नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना है। मुसलमानों में से अक्सरियत को इसका इल्म नहीं है, याद रख लीजिए, जिसकी वजह से आज मुसलमानों के अंदर दीन का सही इल्म ना होने की वजह से कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्होंने इनको इसको दीन समझ के उसमें दाखिल कर लिया है। जैसे फातिहा ही को ले लीजिए आप, सूरतुल फातिहा की जो अल-फातिहा है, फातिहा की रस्म बनाई है मुसलमानों ने, जो नमाज के अंदर तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, नमाज खत्म होने के बाद अल-फातिहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना अल-फातिहा, कब्रिस्तान जाते हैं अल-फातिहा, रोजा खोलते हैं अल-फातिहा, पता नहीं कहां से आ गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा खोलते वक्त और नमाज के वक्त, नमाज के बाद के जो अस्कार है, दुआएं हैं, कभी आपने ऐसा नहीं फरमाया। लेकिन आज देखिए हर मस्जिद का खतीब, हर इमाम जो है असर की नमाज, फजर की नमाज के बाद रब्बना तकब्बल मिन्ना अल-फातिहा कहता है। ये कहां से आए ये लफ्ज, ये जुमले कहां से आए? ये सुन्नत है? दीन की धज्जियां उड़ा दी है ऐसे लोगों ने। सुनिए सही हदीस सुनिए, हदायशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, सही बुखारी की हदीस है, फरमाती है कि अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, अल्लाह के नबी साहब फरमाते हैं, मन अहदसा फी अमरिना हाजा
मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने भी हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, हमारे अहकामात में ऐसी चीज को वजा किया, उसको शुरू किया, उसका आगाज किया, उसको राइज किया या उस पर अमल किया जो हमने नहीं बताई थी, जो अल्लाह ने नहीं बताई, जो अल्लाह के नबी साहब ने नहीं बताई, तो ऐसा अमल के बारे में अल्लाह के नबी साहब फरमाते हैं वो काबिल रिजेक्ट है, उसको कबूल नहीं करना। एक और हदीस में आपने फरमाया कि मैं जिसने मुझ पर झूठी बात मंसूब की, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मख़अदहु मिनन नार, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने मुझ पर कोई ऐसी बात कही, मेरी तरफ मंसूब कर दी जो मैंने नहीं कही थी, तो ऐसे शख्स अपना ठिकाना कहां बना ले, मख़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ऐसी हजारों मौज़ू मुनकर रिवायतें हैं जिनमें से 40 से कहीं ज्यादा शबे बरात के बारे में मौजू रिवायतें हैं, इसमें से एक भी अथेंटिक नहीं है, एक हदीस भी सही नहीं है। अब इसके बारे में अइमा मुहदीसीन का अमल क्या रहा है, किसी ने भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहब इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, मुहदीसीन ने और अइमा इकराम ने शबे बरात नहीं बनाई। मैं आपको उसकी वजाहत भी करूंगा शबे बरात का लफ्ज कहां से आया। पहले तो ये अरबी का लफ्ज नहीं है, शब फारसी का लफ्ज है और बरात जो है ये उर्दू का या संस्कृत का है। अगर ये दोनों जो है फारसी, उर्दू, अरबी और दूसरी जुबानों से मिले हुए हैं तो इससे साफ मालूम होता है कि ये दीन नहीं है, ये दीन का लफ्ज नहीं है। हाँ, हदीस में जो लफ्ज आया है अगरचे कि वो ज़ईफ हदीस ही क्यों ना हो, लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की आधी यानी 15वीं रात, इसका जिक्र आता है। अब वो जो रिवायतें हैं, जितनी भी रिवायतें हैं, सब के सब जो है मौजू रिवायत है और मौजू रिवायत के बारे में असलाफ का तर्ज अमल यही रहा है कि मौजू रिवायत सही हदीस के मुकाबले में नहीं ठहर सकती, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मकाम नहीं है। और जो लोग ज़ईफ रिवायतों पर, मौजू रिवायतों पर कायम है और उसी पर चलते हैं, तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आइम्मे इकराम ने, जितने आइम्मा, जितने बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, इन इमामों ने साफ कह दिया कि हमारा मसलक, हमारा मनहज और हमारा मजहब सही हदीस है, मौजू हदीस नहीं रहा है किसी इमाम का मसलक। जैसे आप देखेंगे अब्दुल जगीर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये हदीस, यानी ये उनका ये कौल मक़ूल है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी ये मंसूब है कि कहा उन्होंने इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाती है तो वही हमारा मसलक है। अब आप बताइए हमारा मसलक क्या है, क्या है? सही हदीस, ज़ईफ हदीस नहीं है, मौजू रिवायत नहीं है। क्यों है ये? इसलिए कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया और मुकम्मल का माना यही होता है कि उसमें कमी बेशी की, ज्यादती की, कमी करने की किसी को इजाजत नहीं है। है इजाजत? बिल्कुल नहीं है। कुरान की एक सूरत है सूरतुन नज्म, सूरे नज्म, जिसकी इब्तिदाई दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये नबी जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, जो भी कहते हैं आप वो इल्ला वही यूहा, अल्लाह की तरफ से वही होता था। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए आप पता चलेगा कई ऐसे सवाल आपके सामने आए लेकिन बर वक्त आपको उसका जवाब मालूम नहीं था तो आपने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोश इख्तियार फरमाई, जब तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आ जाते अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म लेकर, तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार फरमाते थे। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम सब के लिए, इसलिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। हम सब के इमाम कौन है?
امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن لوگوں نے ائمہ کرام کو بڑا امام بنا لیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جتنے امامہ ہیں یا جتنے ائمہ کرام ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی امام ہیں, یہ چھوٹے امام ہو گئے نعوذ باللہ. جب آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا امام بنا دیا, امام اعظم بنا دیا, تو دوسرے جتنے بھی امام رہیں گے کیا ہوں گے؟ وہ چھوٹے ہو جائیں گے. تو ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ چھوٹا امام ہے یہ بڑا امام ہے. ہم سب کے جو امام ہیں, امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام ہوتا, نبی کے بعد کسی کو اگر جو ہے یہ لفظ دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. لیکن مسلمانوں کی بڑی تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں نے دین کو نہ سیکھ کر نہ جان کر بہت بڑی جو ہے اپنا نقصان اٹھایا ہے, جبکہ اہل تشیع جو ہے ان کے پاس 12 امام ہیں, اور 12 اماموں سے میں سے ایک آخری ان کے امام ہے جن کو امام مہدی کہتے ہیں. اور جو مسلمان مہدی کو نہیں جانتے وہ بھی کیا کرتے ہیں, ان کی اتباع میں امام مہدی علیہ السلام کا لفظ لگاتے ہیں. نہ وہ امام ہے نہ علیہ السلام ہے. اگر آپ ان کو امام مہدی علیہ السلام بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے مہدی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں, اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے مسلمانوں سے. بلکہ بڑے بڑے علماء کرام بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں امام مہدی قیامت کے دن قریب آئیں گے, مہدی آئیں گے. آپ ان کو مہدی بول سکتے ہیں, اگر عزت دینا ہی ہے تو مہدی رحمت اللہ علیہ بول سکتے ہیں. تو یہ قیامت کے قریب, صحیح حدیث میں ہے, قیامت کے قریب آئیں گے. اور ان کا نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہوگا, اور یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال کو ختم کریں گے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنی مدت یہ حکومت کریں گے, عدل و انصاف قائم کریں گے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے اہل سنہ والجماعت کا, اہل الحدیث کا, اہل العصر کا. اب رہے اہل البدع اور اہل تشیع, ان کا خطرناک عقیدہ دیکھیے 15ویں شعبان کے تعلق سے سن لیجیے. اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو معلوم کر لیجیے. شب برات یعنی یہ تبرع کے لفظ سے ماخوذ ہے. تبرع کا مطلب کیا ہوا؟ بیزارگی والی رات. یعنی ہم جو ہے بیزار ہیں. تو یہ اہل تشیع شب قدر مناتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ, اس عقیدے فاسدہ کے ساتھ یہ دشمنی رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شب کو یعنی اس لیلت شب برات میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ابو بکر کا اور عمر فاروق کو سولی پر چڑھائیں گے نعوذ باللہ من ذالک. ایسا عقیدہ ہے ان کا آج کی 15ویں شب کے بارے میں اہل تشیع کا. تو جتنے گستاخ رسول ہیں, ابھی ایک اٹھا تھا گستاخ رسول بدبخت 26 آیات کو لے کر, اور انہی کی نسل کے جو لوگ ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو ہے ہتھیار حملہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, امہات المومنین پر, صحابہ کرام پر, جبکہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا, چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بھی برا بھلا کہتا ہے سن لیجئے, جو بھی صحابہ کرام کو ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ اور محدثین کا یہی عقیدہ یہی اجماع ہے کہ جو بھی صحابہ کرام سے تبرع کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے وہ شخص اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں رجب کے گنڈے بہت مسلمانوں نے منائے ہوں گے, اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ گپے کھا رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں, گنڈے کھا رہے ہیں. اور شب برات میں بھی یہی ہو رہا ہے تقریباً. آج کے مسلمان پورا اہتمام کرتے ہیں, اتفاق یہ کہ جمعہ آ گیا
वरना जुमा ना भी होता तो ऐसा महसूस होता कि आज जुमा है, ईद का दिन है, पूरी तैयारी करते, जिंदे तो छोड़िए मुर्दों की भी तैयारी करते, बस कि मुर्दों की रूहें आ जाती है और उनकी पसंद का आइटम खाकर जाती है। हमने बचपन में भी देखा बाद घरों में कि बादाबता जो है उनके अब्बा जान या उनके जो भी मरहूम इंतकाल हो गया है उनकी जो भी ख्वाहिश थी जो पसंद से खाते थे वो आइटम को रखते हैं, उस पर फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसको कहीं कोने पर रख देते हैं या घर की छत पर रख देते हैं। कोई कौवा आकर कोई जानवर आकर खा गया तो खाकर चला गया तो समझते हमारे मरहूम की रूह आई थी और ये आइटम खाकर चली गई है, बस इनको दिल को तसल्ली होती कि हमारे मरहूम जो है हमारा पका हुआ आइटम बड़ी खुशी से खाकर चले गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये हाल है आज के आज भी इस दौर में जबकि पूरे खुलकर सही अहादीस ज़ईफ़ अहादीस मौजू रिवायतें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने रख दी हैं, इसके बावजूद भी लोगों की हरकत है। और एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, अक्सर मुसलमानों का यकीदा है कि शबे बरात में अल्लाह तबरक तआला जो है सातवें आसमान से पहले आसमान पे आता है। सुने होंगे ना आप, लेकिन सुनिए अभी मैंने इब्तिदा में भी ये हदीस पेश की थी और सही हदीस है, यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन, हमारा परवरदिगार हमारा रब्बुल आलमीन कुल्ला लैलतिन का मतलब क्या हुआ, हर रात, एवरी नाइट, हर रात यंजिलु नाजिल होता है उतरता है किस आसमान पर, ये सातवें आसमान से पहले आसमान पर, हीन यबका मिन सुलुसुल लैल, किस वक्त, जबकि रात का एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है, एक तिहाई यानी वन थर्ड नाइट का रात का यानी दो से पांच या चार के दरमियान समझिए जो वक्त तहज्जुद का क़ियामुल लैल का होता है उस वक्त अल्लाह ताला नाजिल होता है पहले आसमान पर। और उस हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि अल्लाह ताला पुकार लगाता है कि कोई मेरे गुनाहगार बंदो रात के गुनाहगारो मुझसे बख्शिश मांगो मुझसे तौबा करो मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। ये हर रात अल्लाह तबारक ताला पहले आसमान पर नाजिल होकर बंदों को सजा देता है, बंदों को आवाज देता है, बंदों को पुकारता है। लेकिन आज का मुसलमान जो पूरी जो है डिजिटल लाइफ गुजार रहा है वो मुसलमान की रात जो है दिन होती है, दिन में सोता है वो, रात खत्म कब होती है, तीन चार बजे सो जाता है जब अल्लाह तबारक तआला पहले आसमान पर आता है, जब ये ओढ़ने के सो जाता है, क्योंकि रात तमाम मुकम्मल पांच घंटे आठ घंटे आज के सारे बच्चे बूढ़े जवान बुढ़िया सब मिलकर क्या करते हैं, अपने अपने बिस्तरों पे अपने अपने तकियों पे, एक मलून इस वक्त का वो हमारे साथ रहता है। ये सेलफोन इसका गलत इस्तेमाल होता है और फिर चैटिंग होती है इस फोन के जरिए से, इस मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से सारी रात जो है अपने जहन को तबाह करते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई, आराम करने के लिए, लेकिन रात जागते हैं, सोते कब हैं, फजर के वक्त सोते हैं या तहज्जुद के वक्त सो जाते हैं, उस वक्त अल्लाह तआला नाजिल होकर अपने बंदों को पुकारता है, गुनाहगार बंदो आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा। और ये मुसलमान समझता है कि हम पूरे साल के 24 यानी 360 दिन जो है हम कुछ भी गुनाह करें तो कुछ भी नहीं होता, सब कर सकते हैं, हम शबे बरात तो है हमको बख्शने के लिए। अल्लाह ताला एक ऐसी रिवायत भी है ज़ईफ़ मौज़ू रिवायतें हैं कि बनू कल्ब के जानवरों के जितने बकरे उस पर बाल होते हैं बकरियों पर उतने बालों के हिसाब से जितनी पूरी बख्शिश कर दी जाती है, हर बंदे की बख्शिश हो जाती है, ऐसी मौज़ू रिवायतें आज रात में इशा के बाद से सुनाई जाती है। तो ऐसी रिवायतों का सुनाना और ऐसी रिवायतें पेश करना शरीयत में जायज नहीं है। हमारा दीन क्या है, महफूज है, इब्तिदा में ही मैंने कहा बिल्कुल महफूज है। अगर कोई शख्स दीन के अंदर मुदाखलत करेगा, ज्यादती करेगा, कोई बिदात को जारी करेगा,
तो भी दीन के अंदर उसका कोई मकाम नहीं होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो शबे बरात, इसका दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाद में लोगों ने कुरान करीम की बाज़ आयतों को जो शबे कदर के ताल्लुक से नाजिल हुई, सूरह दुखान की आयत, उस आयत को इसके साथ अटैच किया जाता है इस वाक्य से, और इसी तरह एक और वाकया पेश किया जाता है कि अल्लाह के नबी, ये भी ज़ईफ मौज़ू रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा रहे थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे हैं, उठकर जो है निकल पड़े हैं बकी की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ, तो मैं भी आपके पीछे आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे, यहाँ तक कि आप कब्रिस्तान पहुंचे और आपने जो है दुआएं की वहां पर। फिर नबी सासम वापस आए, हज़रत आयशा को आपने देख लिया था, कहा आयशा क्या तुम ये समझती हो कि मोहम्मद सासलम तुमसे खयानत करेगा, तुमसे खयानत करेंगे? नहीं, आज तो वो रात है जिसकी फजीलत इस तरह है। ये रिवायत बयान करके लोगों में जो है शबे बरात को साबित किया जाता है, जबकि ये मौजू रिवायत है, इसका हमारे मुहद्दिसीन ने इस मौजू रिवायत का पोस्टमार्टम कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक सही हदीस है कि अल्लाह के नबी साहब, वो भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बुखारी की हदीस है, कहा उन्होंने कि जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता, इज़ा दखला शहरुल अवाखिर, रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता, शत्ता मीज़रहू व अयक़ज़ अहलहू व अहया लैलहू, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रमजान का आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन जैसे शुरू होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, शद्दा मीज़र हो यानी बिल्कुल चाक और चौबंद हो जाया करते थे, तो अयक़ज़ा अहलहू और अपनी रात को जिंदा रखते यानी शब बेदारी फरमाते थे, सिर्फ खुद बेदार नहीं रहते थे, वो अयक़ज़ा अहलहू अपने अहलो अयाल को भी बेदार करते थे। देखा आपने, ये सही हदीस है। और ये मौजू रिवाज में क्या है, आप चुपके चुपके से निकले कब्रिस्तान चले गए दुआ कर ले रहे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के फायदे के लिए हो, पूरी इंसानियत के फायदे के लिए हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रहे। उम्मत को आपने बेदार किया, आपने फरमाया शबे कदर की आखिरी शबे कदर को तुम तलाश करो, रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो, ये आपने ताकीदी हुक्म दिया अपने घर वालों को भी, सारे मुसलमानों को भी। लेकिन शबे बरात के बारे में जितनी रिवायतें हैं सारे रिवायतों का यही हाल है। तो अब मुसलमानों को क्या करना है? इब्तिदा में मैंने कहा कि साल के 12 महीने में जितने रसूमात मुसलमान मनाते हैं, चाहे मुर्दों की ईद के नाम से हो, या आखिरी चारशमा मनाते हो, या फिर रजब के कुंडे करते हो, हर महीने की एक ना एक बिदअत। अब आने वाला महीना रमजान का महीना है, बड़ा मुकद्दस महीना है, इस महीने में मुसलमानों ने कोई बिदअत नहीं छोड़ी है, इसमें भी बहुत बिदअतें हैं, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आपके सामने बयान किया जाएगा, अभी महीना बाकी है। लेकिन इतना याद रखिए कि शबे बरात का दीन से सही इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बाद लोग बोलेंगे भाई इतने बरसों से ये चलते हुए आ रहा, आप लोग बोल रहे हैं हमको ये कैसा तस्लीम करेंगे, हम कैसा मानेंगे? तो याद रखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी मुसलमानों के इल्म में नहीं आई, बल्कि मुसलमानों ने इसको मालूम करने की कोशिश नहीं की है। आप देखिए अक्सर मुसलमानों का अकीदा अल्लाह के बारे में बिल्कुल गलत है, जबकि बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह। तो मुसलमान का जो है जवाब क्या होगा, क्या जवाब होगा? 3-4 जवाब होंगे, अलग अलग जवाब होंगे सबके। अल्लाह हर चीज में है बोलेंगे, हर शजर में है, हजर में है, अल्लाह हमारे अंदर मौजूद है, ये भी बोलेंगे। लेकिन जिसको सही इल्म होगा वो बिल्कुल कुरान की आयत अहादीस से, मुहद्दिसीन के अखबार से, और अहलुस सुन्ना वल जमात का जो अकीदा है, अकीदतु तहाविया इमाम जाफर की, और इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की अकीदे के ताल्लुक से अकीदतुल वासितिया, इन किताबों के अंदर बाराबता अल्लाह के बारे में अकीदे की तफसील मौजूद है कि अल्लाह ताला कहाँ है, पूरे दलायल के साथ मौजूद है। सूरह
ताहा की आयत नंबर 5, अर रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान यानी अल्लाह तआला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन उसका इल्म पूरी इंसानियत को, पूरी कायनात के हर चीज का उसको इल्म है, वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। और आज के साइंटिफिक दौर में ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, एक मामूली से सेलफोन के जरिए से पूरी दुनिया के हालात हम मालूम करते हैं, वो तो जो है पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, वो हर चीज को जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ताला के बारे में यह अकीदा रखना कि अल्लाह ताला आज ही की रात नाजिल होता है, ये गलत है। हर रात अल्लाह तबरक तआला का नुज़ूल होता है, बंदों से जो है अल्लाह ताला जो है कहता है कि मेरे गुनाहगार बंदो आओ तुम्हारी मैं बख्शिश करूंगा। तो लिहाजा इस माह शाबान में के ताल्लुक से रिवायत सही हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के यानी निस्फ तक रोजे रखा करते थे, नफिल रोजे, और जैसे ही निस्फ खत्म हो जाता, 15 शाबान खत्म हो जाता, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे नहीं रखते थे, क्योंकि अब आने वाला जो महीना है रमजान का है उसके लिए जो है चाको चौबंद रहे, उसके लिए तैयार रहे। लेकिन यहां क्या करते हैं, आज की रात भी लोग रोजा रखते हैं, शब बरात का रोजा, फिर जो है रात तमाम जागते हैं। कैसी रात होती है इनकी आप देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। नौजवान जो है बस जागना है, पटाखे फोड़ते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, छिड़म खानी होती है और शोर शराबा होता है, जैसे दूसरी गाँव में होता है शुभरात्रि, बस उसी शब बरात उनकी शुभरात्रि है। ये आज के बिगड़े हुए मुसलमानों की शब बरात है, इसमें पूरे वैसे ही काम होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मस्जिदों को लाइट रौनक किया जाता है, और फिर रात तमाम जाकर खाते हैं, फिर कज़ाए उमरी भी अदा करते हैं। बस कज़ाए उमरी जितनी नमाजें छुट्टी है जिंदगी भर की पूरी एक रात में पढ़ लेते हैं, ऐसा मुमकिन है? हम एक साल तक खाना मत खाइए, शब बरात की रात में पूरा पूरे जितना एक साल का गुजर गया पूरा खाइए, आप हो सकता है सब कहीं को ऐसा बदहजमी के काम करते मुसलमान बेदीन। तो दीन हमारा एजदाद पर है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, हर चीज बताई गई है, लेकिन मुसलमानों को इसका इल्म न होने की वजह से रात तमाम मर्द औरतें जो है ये वो बातों में इधर उधर के किस्से कहानियों में, और सुबह होते ही कब्रिस्तान जाते, रात में इंतजार करते मरहूमीन का कि आएंगे वो। तो उनके नजदीक ये भी है कि मुर्दों की ईद है, ये मुर्दों की ईद, जिंदों की ईद तो सुने थे हम, अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि इस्लाम की दो ही ईदें हैं, लना ईदान, हमारे लिए दो ही ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। लेकिन कितनी ईदें निकाल ली है मुसलमानों ने, मेरे ख्याल से मुसलमानों को जो है कॉम्पिटिशन करने का बहुत शौक है। ईसाइयों के पास वो लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते, बर्थडे मनाते, हम क्यों ना मनाएं, चलो हम भी मनाएंगे, हम जो है विलादत नहीं मनाते। और गैर कौम के पास जो है, हिंदुओं के पास मुख्तलिफ त्यौहार हैं, पटाखे फोड़ने के है, होली के है, फलां के है, फलां के, तो मुसलमानों ने मुख्तलिफ जो है त्यौहार मनाना शुरू कर दिया है। होली मुसलमान भी मनाते हैं, नहीं मनाते हैं? शादी से पहले कुछ होता देखिए, रंग रंग खेले जाते हैं, दुल्हा दुल्हन दूल्हे वाले दुल्हन वाले, ये भी होता है। तो तकरीबन दूसरी कौमों के तौर तरीके मुसलमानों के अंदर आ गए हैं। अब आप देखिए हिजाब का इतना बड़ा मसला उठा है, इतना बड़ा मसला उठा है, जबकि इसका जो है तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। हिजाब मुसलमानों का, मुसलमान खवातीन का, बच्चियों का फितरी हक है, उनके राइट्स है वो। लेकिन मीडिया के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, हाई कोर्ट के जरिए से, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसके जरिए से जो है मुसलमानों को कहा जा रहा है कि खवातीन जो है अपना ये ड्रेस इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो ड्रेस स्कूल से कॉलेज से जो उनको बताया गया है वही हिजाब इस्तेमाल ना करें। जबकि हिजाब जो जिस पर बहस हो रही, गुफ्तगू हो रही है, ये भी मैं समझता हूँ कम्प्लीट नहीं है। इनके नजदीक हिजाब का मतलब क्या है, औरतें सिर्फ सर के बाल छुपा लेना, इतना ही है, सारा जिस्म जो है कैसा भी पहन लेती है तो कोई हर्ज नहीं है, बाल छुपा लेती है तो ये हिजाब है, और ये हिजाब भी इस्तेमाल नहीं करना। इस्लाम में दीन में क्या है, औरत हिजाब है, औरत के माने ही हिजाब है। अल मरअतु कुल्लुहा औरतुन, सर से पांव तक औरत को छुपना है,
छपना नहीं है, छुपना है, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। और मुसलमान भी ऐसे ही करते हैं, बचपन से शॉर्ट पहनाते हैं, मर्द फुल लिबास पहनता है, औरतों को ब्लाउज पहनाते हैं। आदमी ब्लाउज पहने तो चल जाएगा, फिर भी नहीं चलेगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मर्द की औरत क्या है, किसी को मालूम है? मालूम है माशाल्लाह। मर्द की औरत यानी मर्द की औरत क्या मतलब, जो चीज काबिले सदर है छुपाने की मर्द के लिए, हर जवान के लिए जो बालिग हो जाए, कितना है उसका हिस्सा बताइए, नाप से लेकर घुटने तक है, ये मर्द की औरत है, ये छुपना ही छुपना है। औरत की औरत क्या है, औरत सरताबा औरत है, औरत के मान ही छुपने के है, सर से पांव तक पूरा छुपना है ये। लेकिन हम मुसलमानों ने इसका पास लिहाज नहीं रखा, साड़ी ब्लाउज है, फिर आज के जो कपड़े हैं। अब उसके ताल्लुक से एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, अलमरअतु औरतुन इज़ा खरजत इस्तअतरत फनवरत, जब औरत इतर में मुलव्वस होती है, मलबूस होती है, खुशबूदार कपड़े पहनती है, इतर लगाती है, परफ्यूम लगाती है, और मर्दों के दरमियान से गुजरती है, खाली गुजरती है, पूरे कपड़े पहनी भी है लेकिन खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर मर्दों के बीच में से गुजर रही है, मर्दों के दरमियान से गुजर रही है, तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया फहिया कज़ा फहिया ज़ानिया, फरमाया वो ज़ानिया बदकार है। कितनी सख्त वईद है, लेकिन आज के दयूस मुसलमान, बेगैरत मुसलमान अपने शादियों में अपने हर एक के सामने अपने बीवी को, बेटी को, बहू को, सबको निकालते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और बहस हो रही है किस पर, हिजाब पर, हिजाब के खिलाफ जो है आवाजें उठ रही है। पहले खुद जो है अपना माहौल सीधा करना है। खैर वो मौजू एक सियासी मौजू बन चुका है, हम ये नहीं कहते कि उसका आवाज ना उठाए, उस पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फैसला भी किया है कि ये कोर्ट का जो फैसला हुआ है बिल्कुल हमारे मजहब के खिलाफ है। और हिंदुस्तान के अंदर जितने मजाहब हैं, यहां पर दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसका जो हक है, इसका दस्तूर के हिसाब से 25वीं दफा के तहत हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहां मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है, हम मुसलमानों का है कि हमारी यूनिटी बहुत कमजोर है, बल्कि नहीं के बराबर है। सबसे अहम बात बता रहा हूं, हम मुसलमानों ने क्या किया, मसलकों की बुनियाद पर, बिरादरियों की बुनियाद पर, सिलसिलों की बुनियाद पर एक खलना दो होने के बावजूद अलग हो गए, और गैर कौम या जिसमें से जिन तक हमने दीन की बात नहीं पहुंचाई उनको तो हम काफिर नहीं कह सकते, तो वाकई पक्के काफिर हैं। अल-कुफ्र मिल्लतु वाहिदा, वो लोग इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन। अभी जो खवारिज हैं उनका भी मामला बड़ा अजीब है, और जो इस मुल्क के अंदर या कि एकजहती को बिगाड़ रहे हैं, और खुद मुसलमानों के अंदर नौजवानों में घुसकर इनको हदीसों से मुतनफ़िर कर रहे हैं, सही हदीस से, कुरान से, बज़ाहिर कुरान की दलाइल देते हैं, लेकिन ऐसे गुमराह कुन अकायद हैं कुछ नौजवानों के जो इसराइली रिवायतों को लेकर और उनके एजेंट बनकर मुसलमानों में काम कर रहे हैं, सही हदीस पर चलने वालों के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि इन लोगों का अकीदा जो है बिगड़ जाए। तो जरूर इस बात की है कि इन सारे हालात के अंदर हम मुसलमानों को इन्हें होश के नाखून लेना है, समझदारी से काम करना है। और ये दौर जो है यकीनन फितनों का दौर है, हर दिन एक नया फितना उठ रहा है, ऐसे फितनों से अपने आप को बचाना और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगना, घरों में रहने का हुक्म है, अमसिक निशान वब की खतीअती, अमसिक निशान, अपनी जुबान को जो है रोक के रखो, जुबान खुलेगी तो फितने उठेंगे, जुबान खुलेगी इसी तरह आपका सेलफोन खुलेगा, उसमें कुछ चार्जिंग होगी, कुछ कमेंट्स करेंगे आप, फितने बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये जो हथियार है आपके पास सेलफोन का, इसका सही इस्तेमाल करना है, वरना इसका इस्तेमाल आपके लिए जायज नहीं है। अगर गलत इस्तेमाल करते हैं आप, आपके बच्चे, आपकी घरवालियां और सारी औरतें अगर, तो पूरी तबाहियों की ये बुनियाद है। आज हमारे पास क्या है, अल्लाह का कलाम मौजूद है कुरान, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती उस पर रिसर्च करने की, उस पर जो है तदब्बुर करने की,
सीखने की सही हदीस कहां है, कहां से मिलेगी, कैसे हम जो है सीखेंगे, उलमा से हमारा राबता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो हम क्या करें? इंटरनेट को अपना हमने इमाम बना लिया है और गुमराहियां फैल रही है। अलगरज शबे बरात के ताल्लुक से बहुत सारी और बातें थी, इतना याद रखिए कि शबे बरात का इस्लाम से, दीन से, नबी सासम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुर्दे जो है जाकर वापस नहीं आते, चले गए तो बस वो आलम अरवाह में रहते हैं। अच्छे हैं, नेक अमल किए हैं तो उनसे कहा जाता है नम का नौमती अरूस, जैसे दुल्हन सो जाती है वैसे सो जा आराम तक क़यामत तक। और अगर बुरे हैं, जिंदगी भर बुरे काम करके गए थे, लोगों को सताए थे, लुपा डुप्पी करके गए थे, हराम का खाए थे, अब उनके ऊपर जो है खत्म कुरान भी पढ़ रहे हैं आप, कुछ भी काम का नहीं है, सब बेकार ही है। हर आदमी को अल्लाह तआला ने जिम्मेदार बनाया है, हर आदमी से पासपोर्ट होगी, बाप अगर नेक है तो बेटे को जो है उसकी नेकियां नहीं दी जाएगी, अगर बेटा जो है बदकार है, गुनाहगार है, तो बेटा नेक है तो बेटा जो कयामत के दिन का यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व सहाबतीही व बनी, कयामत का नक्शा कुरान ने अल्लाह ने खींचा है कि कयामत के दिन मैदान महशर में हर आदमी एक दूसरे से भागेगा, बाप बेटे से, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से, ऐसा राह फरार किया, कोई जो है नहीं देगा किसी को अपनी नेकी। और वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, किसी इंसान के गुनाह का बोझ दूसरे इंसान के ऊपर भी नहीं डाला जाएगा, इंसाफ होगा क़यामत के दिन, हर एक के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है। अब मेरे अब्बा ने अमल कर लिए थे, भाई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं समझना। हमारे मुर्शिद बोल दिए थे नमाज नहीं पढ़े तो भी चलेगा, हमारे नाम पर जो है जुमेराती फातिहा दे दो बस तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, कैसे गुमराही के अकीदे मुसलमानों के अंदर, अल्लाह की पनाह। तो इन गुमराहियों से मुसलमान खुद पहले बचे, मजबूत अकीदा यही है कि अल्लाह को एक जाने, अल्लाह तआला को जो है नफा नुकसान पहुंचाने वाला, अल्लाह तआला खालिक है, मालिक है, माबूद है, हर चीज पर वही कादिर है और वो सुनने वाला जानने वाला है, अलीम बिज़ाति सुदूर है, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करना और अल्लाह से करीब होना है हमको। अल्लाह से करीब होने के लिए जरूरी है कि हम इबादतें करें, अल्लाह तआला कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ें और अपनी जुबान को जो है अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से, तौहीद से, हमद बारी ताला से, जिक्र और अज़कार से जुबान को तर रखें, और लोगों की गीबतों से, चुगलियों से, बुराइयों से, और अपने आंखों की बुराई से, हाथों की बुराई से, पैरों की बुराई से, दिमाग की बुराई से अपने आप को महफूज रखें, ताकि जब हमारा जो है वक्त आए, मलकुल मौत हमारे पास आए, तो हमारी रूह जो है आसानी से निकल सके, ऐसा ना हो कि रूह अटक जाए, फिर सडन ऐसी मौत आ जाए कि आपको जो है हमको फिर तौबा करने का मौका ना मिले, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेल हो जाए। अल्लाह पर अल्लाह के नबी साहब दुआ करते थे अल्लाह नबी का कि अल्लाह मैं तुझसे पना मांगता हूँ अचानक मौत से, अचानक हादसे से। तो हमेशा मुसलमान जो है चौकन्ना रहकर जिंदगी गुजारना है, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारना है कि मेरा कदम उठेगा तो खैर की तरफ उठेगा, बुराई जब हो रही है तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, उसको रोकने की कोशिश करें हम। यह मुसलमानों की जिम्मेदारियां हैं, हम ये नहीं करते हैं तो यकीन आफतें आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, फिर हम खोखले हो रहे हैं, कमजोर हैं, हम पर मार पे मार, हमारे अकीदे पे मार पड़ रही है, हमारे कुरान पर की बेहरमती हो रही है, हमारे सहाबा किराम की बेहरमती हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तौहीन हो रही है, गुस्ताखी हो रही है, तो कोई हमारे अंदर हरकत नहीं है। हम अपनी जगह अपने कारोबार में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, देखिए उसी पर मगन है। तो हम अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारें, जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है, जो अल्लाह से नहीं डरता सारी दुनिया उसको डराती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही माने में सही दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की बुराई से हम सबको महफूज रखे, हम मुसलमानों को मुत्तहिद मुनज़्ज़म फरमा दे, और सारे आलम के मुसलमानों को अल्लाह ताला एक कर दे, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो अकलियतें और मुसलमान कमजोर हैं, इन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला इनकी मदद फरमा, जो हम में बीमार है, जो हजरात ने हमें अपील करने के लिए कहा है या फिर यहाँ के जिम्मेदार से कहा है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत आजिदा कामिला अता फरमाए, जितने परेशान हाल है अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर कर दे, नौजवानों को अल्लाह ताला हर किस्म के शर से, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ और बहनों को हर किस्म की रसूमात और खुराफात से बचाए, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को घर की निगरानी करने, तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, जब हमारी मौत आए तो खैर पर ईमान पर आए, आमीन वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह।